नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि डीसी 4 से 40 वोल्टेज जो है आपकी, उसको आप 1.5 वोल्टेज से 35 वोल्टेज तक लो कैसे कर सकते हो। इसके लिए ये एक डिवाइस आती है LM2596, जो मैं आपको दिखाऊंगा, और ये पेटीएम के द्वारा मंगवाई गई थी। इसका देखिए रेट जो है वो 175 रुपये रेट है, जो ये मेरे द्वारा मंगवाई गई है। इससे क्या होता है कि कोई भी वोल्टेज जो होता है अपना, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है। इसको मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है, वो आपके सामने ही ओपन करूँगा। तो इसका जो मॉडल नंबर है, जो मॉडल है वो है LM2596। तो ये आप मंगवा सकते हो। अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग रेट दिया गया है। मैंने पेटीएम के द्वारा 175 रुपये मंगाई गई थी, जिसमें 50 रुपये का रिचार्ज कूपन मिल गया, यानी 125 रुपये का ये मिला है। तो चलिए मैं अब आपको डिवाइस दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से पैकिंग में आई है, तो इसको मैं खोलता हूँ। ये बहुत अच्छी पैकिंग की हुई थी। देखिए ये डिवाइस आई है, इसके ऊपर देखिए रेड लिखा हुआ है, इस पर रेड लिखा है 499 रुपये। तो ये डिवाइस जो है वो मेरे पास आई है, इसको हम ओपन करते हैं। देखिए ये डिवाइस है, ठीक है, इसको हम और ओपन कर देता हूँ मैं, इसको खोल के। देखिए ये डिवाइस है, इसमें सिर्फ अपने को कुछ नहीं करना। इसके अंदर देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट प्लस का जो वायरिंग रहेगी वो रहेगी, और यहाँ पे आउटपुट का माइनस की वायरिंग लगानी है, यानी ऋणात्मक और धनात्मक वायर। और यहाँ पे जो भी वोल्टेज हमें इन करवाना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्लस, यानी प्लस का माइनस यहाँ पे इन होगा, और यहाँ पे लिखा है माइनस इन। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ से अपने को वायर जो भी वोल्टेज है वो इन करवानी है, और यहाँ पे हमें उसको वापस डालना है। ये देखिए डिवाइस जो है इतनी सी छोटी है, देखिए एक जो अपनी छोटी सबसे हाथ की उंगली होती है, बस इसी साइज की ये डिवाइस है। और इसमें जो वोल्टेज जो कम ज़्यादा होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो नट दिखाई दे रहा है, इसको आप घुमाओगे, कम ज़्यादा करोगे, तो आपकी वोल्टेज जो है वो आगे भी कम ज़्यादा होती रहेंगी। तो इसमें देखिए डीसी वोल्टेज इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 35 वोल्टेज, ये बाहर आउट करेगा। और यहाँ पे यहाँ 50 लिखा गया है इनके लिए, लेकिन जो इनवॉइस आई है उसके अंदर 40 वोल्टेज तक ही है। तो आप 40 वोल्टेज से ज़्यादा इसको सप्लाई नहीं दें, नहीं तो ये दिक्कत कर सकता है या ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इसको 40 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं दें, और यहाँ से आउटपुट जो है वो आप 35 वोल्टेज तक प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत अच्छी डिवाइस है, इसका आप उपयोग करें। और इसका जो मॉडल नंबर है वो ये देखिए पीछे लिखा हुआ है LM2596। ये डीसी से डीसी कन्वर्ट करती है, और बहुत ही छोटी सी डिवाइस है, जो आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो। सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।